भारत देश के गुजरात राज्य में अमरेली शहर से 18 किलोमीटर की दूरी पर चित्तल गांव में नर्मदा इंडस्ट्रीज उपस्थित है। हाईवे के नजदीक 30,000 स्क्वायर फीट की रेंज में फैला हुआ यह है नर्मदा कॉटन सीड कैक एंड ऑयल इंडस्ट्रीज। तो चलिए जानते हैं कि इस इंडस्ट्री की खास बात क्या है। बिनोला यानी कि कपास के बीज को कैसे कपास या खली में रूपांतर करते हैं और कपास या तेल कैसे बनता है, ये सारी प्रोसेस इस इंडस्ट्री में होती है। नर्मदा इंडस्ट्री की मुख्य पहचान और मुख्य ब्रांड है केसरी नंदन कपास या खली। शुद्धता, प्रोटीन्स और गुणवत्ता से भरपूर यह है केसरी नंदन कपास या खली। नर्मदा इंडस्ट्री में हर रोज 14 से 15 टन केसरी नंदन कपास या खली का उत्पादन होता है, जो कि पशुपालक में दूध देने की क्षमता में काफी बढ़ोतरी देता है। तो चलिए जानते हैं कि इस इंडस्ट्रीज में कपास के बीज को कैसे कपास या खली में रूपांतर करते हैं। इसकी शुरुआत होती है कपास के बीज से। कपास के बीज को एक कन्वेनर से होते हुए एलिवेटर की तरफ धकेला जाता है। 100% शुद्ध कपास के बीज एक कन्वेनर के माध्यम से आगे बढ़ते हैं। यहां से आगे बढ़ने के बाद यह कपास के बीज एक एलिवेटर के माध्यम से ऊपर की तरफ आगे बढ़ते हैं। एलिवेटर से होते हुए यह कपास के बीज दूसरे कन्वेनर में भेजे जाते हैं। इस प्रोसेस के बीच में एक मैग्नेट लगा हुआ होता है ताकि धातु जैसी अशुद्धियां इस मैग्नेट के साथ चिपकी रहे। फिर ये शुद्ध कपास के बीज दूसरे कन्वेनर से होते हुए अलग अलग मशीन में विभाजित होते हैं। विभाजित होने के बाद यह कपास के बीज एक चक्की में एकत्रित होते हैं। यह चक्की गोल घूमकर कपास के बीज को नीचे की तरफ धकेलती है। यहां से एक वर्ण गोल घूमकर और कपास के बीज को पीसकर दो प्रकार के उत्पादन देता है, एक कपास या तेल और दूसरा कपास या खली। पहला उत्पादन सभी मशीन से निकला हुआ यह कपास या तेल एक पाइप में एकत्रित होकर एक बड़े टैंक में जमा होता है। दूसरा उत्पादन यह पिसे हुए बीज एकत्र होकर कपास या खली में रूपांतर होते हैं। यह कपास या खली एक कटर ब्लेड के माध्यम से नीचे की तरफ एक कन्वेनर पर गिरती है। यह कन्वेनर सभी मशीन से एकत्रित हुई कपास या खली को दूसरे मशीन की तरफ आगे बढ़ाती है। कन्वेनर के माध्यम से आने वाली कपास या खली दूसरे मशीन के एलिवेटर से ऊपर की तरफ होते हुए यहां से एक के बाद एक बोरी में भरा जाता है। यह पूरा प्रोसेस खत्म होने के बाद यह भरी हुई कपास या खली को विशिष्ट रूप में परखा और वजन किया जाता है। और वजन होने के बाद सभी बोरियों को इकट्ठा किया जाता है। इकट्ठा होने के बाद सभी बोरियों पर लेबल लगाया जाता है। लेबल लगाने के बाद सप्लायर्स के ऑर्डर के मुताबिक सभी बोरियों को ट्रक में भरा जाता है। इस तरह से नर्मदा कॉटन सीड केक एंड ऑयल इंडस्ट्री का हर रोज 14 से 15 टन कपास या खली का उत्पादन होता है। इस इंडस्ट्री में पूरा ख्याल रखा जाता है कि उत्पादन शुद्ध हो और ग्राहक को संतुष्टि मिले। इस इंडस्ट्री के मालिक जगदीश भाई का मानना है कि वह कम से कम कीमत पर ग्राहक को ज्यादा से ज्यादा मुनाफा दे सके, ताकि ग्राहक अपने पशु के आहार का अच्छी तरह से ख्याल रख सके। पशु की सेहत का ख्याल और ग्राहक का विश्वास, बस यही तो है इस नर्मदा इंडस्ट्री की खास पहचान। यह है नर्मदा ऑयल इंडस्ट्री एंड ब्रांड केसरी नंदन कॉटन सीड केक।